हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे व्हाई फ्री फायर इज ओवर रेटेड। वही क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री फायर डेवलप हुआ था एक वियतनामीज कंपनी जिसका नाम है 111.studios और ये गरीना उसे खरीद लिए थे फ्री फायर को और हो गया इंट्रोडक्शन उसका। बूम, लेट्स गो आगे। मैं आपको गरीना के बारे में बताता हूँ। गरीना एक सिंगापुरियन कंपनी है विच इज़ ओन बाय अ चाइनीज मैन, पर चाइनीज ओनर चाइना को बाय बाय टाटा कर चुका है और वो अब सिंगापुर में रहता है। उनके पास सिंगापुरियन सिटीजनशिप है। ये तो अब हम बात करते हैं हाउ इट बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 2018 में कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंडिया में, जैसे कि ज्ञान गेमिंग, टोटल गेमिंग, जैसे वो सब कुछ स्ट्रीम करते थे और लोगों से अच्छा लगता था उनको देखने, तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। और अब बारी आई तो 2020 को और हमारे यहाँ पर लॉकडाउन हो गया भारत पर, तो सबको यहाँ पर बोर होकर फ्री फायर खेलने लगे और उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया कि स्काईरॉकेट हो गया फ्री फायर इंडिया में। ये तो आपको मैं अर्निंग बताऊँगा, रुकिए तो मैं आपको बता दूँ। 2018 में 0.82 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है US डॉलर्स में, और अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किए तो वो 59 करोड़ हो जाएगा। वाह क्या बात है। और बात रही 2020 के बारे में, तो 4.37 बिलियन US डॉलर इन्होंने कमाया था गरीना ने, और इंडियन रुपीस में है 597 करोड़। ओ माय गॉड क्या बात है। तो आगे चलते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका एडवांटेजेस है कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है अगर आप यूट्यूब वीडियोस उन पर बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें 24 मिलियन सब्सक्राइबर टोटल गेमिंग के है और वो सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल इन इंडिया है, जो कि कैरीमेटी को भी सरपास कर सकते हैं। तो यही एक एडवांटेज है। और एक बात, ई स्पोर्ट्स में आप वहाँ पर अपने स्किल्स शो ऑफ कर सकते हैं मोबाइल पर या पीसी पर, आप दोनों में बस आपको स्किल रहना चाहिए। तो हम बात करने वाले डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एडिक्शन। हाँ एडिक्शन आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के लड़का का, अगर आप नहीं पता होगा, आप फ्री फायर न्यूज़ नहीं देखते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक लड़का जिसका 14 साल था वो 75,000 कर्जे में चला गया था क्योंकि उसे डायमंड्स चाहिए था और वो अडिक्ट हो गया था। तो क्या वो उसे कर्जा पे नहीं कर सकता और बहुत वो डर गया था कर्जा पे करने में, उसे पैसा नहीं था उसके पास और किसी को भी नहीं बताया था, उसके बाद क्या वो सुसाइड कर लिया। हाँ ये थोड़ा डार्क हो गया, पर आगे चलते हैं। ये हादसा हुआ लोकेश गेमर के स्ट्रीम में, जबकि हाँ आईडीसीएम भी हो सकता है। और क्या हुआ, जब वो गिव अवे कर रहे थे एक फैन के, तो उसका फेसबुक का पासवर्ड लीक हो गया, गरीना आईडी वाला, समझे, फेसबुक आईडी, समझे। तो क्या हुआ, सब कोई वहाँ पर आने लगे, तो उसका आईडी यू नो काइंड ऑफ लिया गया। और या दिस वाज ओनली डिसएडवांटेज। या और एक डिसएडवांटेज, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैमिंग इन यूट्यूब, सो कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है गरीना की तरफ से, सो मैं कल उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को टाटा देखो और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टाटा बाय बाय। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।